साइड होइए ना बाहर बाहर सब कानून हमसे तोड़वाइएगा। हां जी सर बाहर 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 देखिए बाहर देखिए हां बाहर दीजिए बाहर दीजिए ना ना सर सर कैमरा नहीं सर इधर भी सर अरे यार जब तक भारत निर्वाचन आयोग नहीं आएगा तो क्या पता कहाँ खड़ा है नहीं करे कैसे पता चले पीछे तो पीछे मोबाइल यार ठीक है कुछ बता रहा है क्या भैया थोड़ा कैमरा पीछे करे सर उंगली दिखा दीजिए सर उंगली दिखा दीजिए सर इधर सर सर इधर कीजिए ना थोड़ा पीछे हट के आराम से करिए आजा भाई अरे गजब और थोड़ा पीछे हट जाएंगे तब लग जाएगा चोट लग जाएगी और पीछे चोट पूरा डिस्टेंस बना के चोट लग जाएगी घुस जाएगी चोट लग जाएगी अरे हां घुस जाएगा है आप लोगों का क्या ड्रामा चल रहा है। हां चंदा जी चंदा भैया पकड़ लीजिए थोड़ा नहीं एक सेकंड इधर लाइट पे कनेक्ट करिए ना आराम से करिए राकेश चार बंदा माइक पास आइए दीजिए ना। हां चोट लग जाएगा सब लोग लगा लीजिए पहले। हां लग गया सर लाइट पे कनेक्ट है भैया ये आधार स्टोर किसको आइए सब लोग आ जाइए नजदीक 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 बस के ऊपर एक चढ़ते हो एक बार उंगली दिखा दीजिए सर उंगली एक बार दिखा दीजिए आज अपने मतदान का प्रयोग करके बहुत ही संतुष्ट हूँ। भैया नहीं पकड़ी ये चुनाव इधर नहीं पकड़े भारत के निर्णायक चुनाव है। माइक नीचे करो भाई माइक नीचे करो माइक आईडी को आगे ले लेगा बहुत ही मैं हट जाऊंगा जोश देख रहा हूँ हिंदुस्तान और ये जोश है नरेंद्र मोदी जी को दोबारा एक उम्मीदवार के रूप में सघन प्रचार के दौरान मैंने गांव-गांव में वही स्वर देखा है लोग नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। मैंने पटना साहिब का चुनाव मुद्दों पर लड़ा आशा बनाम अवसरवाद मुझे पूरा विश्वास है पटना की स्नेही जनता अपने आशीष से मुझे निर्णायक तीन पुस्त एक साथ वोट देने के लिए पहुंचे थे बेटा माँ सबको ये सब कोई बेकार बात है परिवार आता है तो आता है धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें धन्यवाद।